हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडीवर ब्रीफ। मैं अभिषेक आपको लेके चलूँगा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के बेसिक सीरीज़ की तरफ। इसमें हमारा प्रयास होगा कि आपको मैप्स को समझने में आपकी मदद करें। अगर मैप्स की बात करें तो ज्योग्राफी की समझ बढ़ाने के लिए दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ज्योग्राफी में चाहे वो आंसर राइटिंग करनी हो या फिर डायरेक्टली प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट्स भी जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। बट बिफोर मैप्स को हम समझें, उसके पहले मैप से रिलेटेड हमें कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको उन बेसिक्स को समझने में मदद करूं। अगर मैप्स की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया टिपिकली शोइंग फिजिकल फीचर्स, सिटीज, रोड्स एंड अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब अगर ब्रॉडली कहें तो दिस इज अ मैप, इट शोज द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोमेना इन स्पेस। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोमेना, ये आपको बताता है कि आपको एक एरिया में कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से वो अरेंज हैं। कहने का मतलब नंबर वन ये बताता है कि विच फेनोमेना इज प्रेजेंट देयर। अब ये फेनोमेना आप ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये फीचर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ ही ऐसे बताता है कि एक दूसरे से इनके बीच में रिलेटिव, इनके साथ इनके बीच में क्या रिलेशन है। सो रिलेटिव पोजिशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इनका क्या रिलेशन है, किस तरीके से पोजीशन है, तो ये भी आपको बताता है। ये आपको मैप में बेसिकली ये आइडिया मिलता है कि चीज़ें किस तरीके से अरेंज हैं। अगर आप बात करें कि मैप की ज़रूरत, तो आप देखो कि मैप जो है आपको नेविगेशन, प्लानिंग, गेनिंग स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्लेस, तो हर जगह कहीं ना कहीं मैप की ज़रूरत पड़ती है। आप आज GPS की बात करो, आप आज प्लानिंग की बात करो, आज आप सिटी बेस्ड प्लानिंग हो रही हो या आपको रिसोर्स बेस्ड प्लानिंग हो रही हो, आपको ट्रांसपोर्ट रूट्स डेवलप करने हो, तो सभी जगहों पे आपको मैप्स का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली मैप्स जो हैं, स्टैंडर्ड मैप्स के अपने कुछ फीचर्स होते हैं। स्टैंडर्ड मैप्स में जैसे कि स्केल का फीचर होता है, ठीक है, आपको जैसे 1:1000 की बात चल रही है, तो इस तरीके से वो स्केल बताता है कि भाई अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब कि आपको रियल लाइफ में वो 1000 किलोमीटर के आसपास में होगा। तो आपको स्केल हो सकता है, आपको कलर बेस्ड कोडिंग हो सकती है। तो स्टैंडर्ड मैप्स में तो अलग अलग बातें होती हैं, बट हम यहाँ जनरल मैप्स की बात कर रहे हैं जो हम अपने परीक्षा संबंधी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो जनरल मैप्स की अगर बात करें तो मानचित्र या मैप्स जो हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलते हैं जो हम यूज करते हैं डेली। तो एक आपको पॉलिटिकल मैप हो गया। पॉलिटिकल मैप्स में आपको क्या मिलती है, यू गेट द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। आपको जो भी कंट्रीज हैं या नेशन स्टेट्स हैं या सिटीज हैं, उनकी बाउंड्रीज कहाँ पे लगती है, ये हमें आइडिया जो है पॉलिटिकल मैप से मिलता है कि कौन कौन से नेबर्स उसके हैं, उसकी बाउंड्री सी से लगती है कि नहीं लगती है, वो लैंडलॉक कंट्री तो नहीं है। तो इस तरीके की जो जानकारी हमें मिलती है डायरेक्टली, वो आपको राजनीतिक मानचित्र होती है। दूसरी जो है वो आपको फिजिकल मैप्स होती है, तो ये दिखाती है कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स जो है वो प्रेजेंट हैं। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो आपको माउंटेन्स हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकते हैं, ओशियन हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है एक एरिया में, वो हमें फिजिकल मैप से पता चलता है। तीसरी जो टाइप होती है वो थीमेटिक मैप्स होते हैं। थीमेटिक मैप्स में देखोगे तो मान लो कि रेलवे नेटवर्क किस तरीके से अरेंज है, या आपको रोड नेटवर्क किस तरीके से अरेंज है, या केवल और केवल अगर अर्बन प्लेसेज या सिटीज़ का मैप है तो किस तरीके से है, तो उस तरीके की जो आपको मैप्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, 2009 थीमेटिक मैप्स। तो जनरली हम जो देखते हैं कि अच्छा कोल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, तो वो जो मैप हो गया वो आपको थीमेटिक मैप होता है। जो चौथे टाइप का मैप होता है उसको कहते हैं टोपोग्राफिक मैप, और टोपोग्राफिक में हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरीके से टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट है। कहने का मतलब अगर एक एरिया में माउंटेन है तो उसका स्प्रेड कितना है, या उसकी 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 हाइट किस तरीके से वैरी कर रही है, ठीक है, या फिर डेजर्ट है या प्लेन है तो उसका समुद्र तल से ऊंचाई किस तरीके से है, उसका स्प्रेड किस तरीके से है, वो सब जो हमें जानकारी मिलती है उसको हम कहते हैं टोपोग्राफिक मैप्स, ठीक है। तो जनरली हम यही मैप्स यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशंस के दौरान। अब जो है आपको मैप्स को समझने के पहले हमें कुछ बेसिक्स को समझना पड़ेगा। बेसिक्स को समझने का मतलब कि जब भी आप मैप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यू नीड टू हैव कि आप मैप्स को, आप किसी भी जगह मैप को समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस पॉइंट्स की। अपने बचपन में या क्लास 10th में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद हो तो वहाँ पे हम किसी भी चीज़ की लोकेशन बताते थे, यहाँ पे कोई चीज़ है तो हम उसको एक्स एंड वाई से डिनोट करते थे। तो ये एक्स वाई क्या है, ये कहीं ना कहीं रिफरेंस लाइन से लिया जाता था। तो एक्स का मतलब है कि भाई इस एक्स एक्सिस से आपको एक्स एक्सिस पे कितना चलने पे वो जगह मिलेगी, यानी कि वाई एक्सिस से उसकी दूरी कितनी होती है, तो इसको हम एक्स से दिखाते थे। एंड उसके हाइट में वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है उसको वाई रेफरेंस पॉइंट से दिखाते थे, राइट। तो इसी तरीके से मैप में जब आपको चीज़ें डिकोड करनी होंगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आपने पढ़ा होगा अक्षांश एंड देशांतर। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो हैं वो हमारे मैप्स पे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले कि ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें समझना पड़ेगा अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन को। अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, कोई भी चीज़ जब घूमती है तो वो एक धुरी के चारों तरफ घूमती है। जैसे आप मान लो आप लट्टू का एग्जांपल ले रहे हो, ये लट्टू जब घूमेगी तो ये ऐसे घूम रही है तो ये अपने नुकीले इस कोण के हिसाब से घूम रही है, ये जो उसका कोण होता है उस हिसाब से लट्टू घूम रही है। तो लट्टू आपको ऐसे भी घूम सकती है, लट्टू आपको सीधी ऐसे भी घूमती है, राइट। आपको लट्टू तेज घूमेगी तो ऐसे घूमेगी। तो ये जो आपका एक्सिस है जिसके अराउंड वो जिसके अराउंड जमीन पे लग के वो घूम रही है उसी को क्या कहते हैं, धुरी कहते हैं या एक्सिस कहते हैं। वैसे ही जो अर्थ घूम रही है तो अर्थ भी किसी एक्सिस के अराउंड घूम रही होगी। अब ये जो एक्सिस है ये इमेजिनरी है, एक्चुअल में वैसी कोई वैसा कोई किल नहीं है जो अर्थ के बीचों बीच पास हुआ हो। लेकिन यहाँ पे हम किल या धुरी इसलिए कहते हैं ताकि हमें इसके गति को समझने में मदद मिले। अब देखो लट्टू जो है अगर ये इस तरीके से घूम रही है तो इसको क्या बोलते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये सीधा है एकदम। लेकिन अर्थ जो है, अर्थ का एक्सिस जो है इमेजिनरी एक्सिस, वो इस तरीके से सीधा नहीं है, वो थोड़ा इस तरीके से टिल्टेड है। कहने का मतलब अगर एक सीधा एक्सिस हम डालें 100% अगर उसके वर्टिकल प्लेन से, तो वहाँ से उसका थोड़ा सा झुकाव है, वो झुक के घूम रही है। और ये जो झुकाव है इसी को कहते हैं टिल्ट ऑफ एक्सिस। और ये जो झुकाव है ये कितना है, ये 23 एंड हाफ डिग्री का है, ठीक है। 30.5 डिग्री का जो है ये आपको झुकाव देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ से आप देखो कि इस एक्सिस से इसका झुकाव कितना है, 23 एंड हाफ डिग्री। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ऑर्बिटल प्लेन से इसका इसका झुकाव कितना है, या तो आप देखो कि ऑर्बिटल प्लेन से इसका झुकाव कितना हो जाएगा या कितना कोण बना रही है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 23 एंड हाफ डिग्री, तो 66.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ जाएगा, पूछा जा सकता है। अच्छा अब जो अर्थ की गति होती है, तो ये जो घूम रही है तो अर्थ दो तरीके से घूमती है, एक तो जो है ये अपने ही धुरी पे इस लट्टू की तरह घूम रही है, दूसरा ये जो है ये सन के चारों तरफ भी एक गति में घूम रही है, इस तरीके से भी घूम रही है। तो इन दोनों को जो है हम अलग अलग नाम दिया करते हैं। जो रोटेशन है, रोटेशन उसका होता है वो अपनी खुद की एक्सिस पे घूमना, वो अपनी धुरी पे घूमना, तो वो जो घूमती है तो 23.5 डिग्री चक्कर लगा के घूमती है। और दूसरा जो है वो है आपको रेवोल्यूशन, यानी कि सन के चारों तरफ घूमना, दैट इज़ द रेवोल्यूशन। तो इस रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से हमने क्यों बात करी, क्योंकि आपको रोटेशन से ही हम इसकी धुरी का पता लगाते हैं और इस धुरी से जो है आपको हम यहाँ से रेफरेंस पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये जो धुरी हुई, इस धुरी को जो है आपको ये 23.5 डिग्री पे अरेंज है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक और लाइन बनाया जाए, ठीक है। मान लो कि उस तरीके का एक किल जो है उस किल को हमने धरती के अंदर घुसा दिया और उस किल को जो है एक बार चारों तरफ इस तरीके से रोटेट कर दो, तो रोटेट करोगे तो अर्थ के बाहर वाले सरफेस पे क्या होगा, इस तरीके से एक निशान पूरे चारों तरफ पड़ जाएगा, एक सर्किल बनेगा और उसी सर्किल को हम नाम देते हैं इक्वेटर, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर नाम दे देते हैं। तो ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया। आप याद करो यहाँ पे ये जो लाइंस होते हैं पूरे होते हैं, ये बीच में आपका 0.0 होता है, आप एक तरफ पॉजिटिव एक्स पे जाते हो एक तरफ नेगेटिव एक्स पे, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। तो इसी तरीके से ये जो आपको काल्पनिक धुरी है वहाँ से हमने एक और काल्पनिक लाइन बनाई 90 डिग्री पे और उस काल्पनिक लाइन को हमने अर्थ के चारों तरफ उसी लाइन से हमने उसका पेरीमीटर ड्रॉ कर दिया, सर्कमफेरेंस बना दिया, उसको चारों तरफ घुमाओगे तो एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगी। तो उसी सर्किल को हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने इक्वेटर का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब जो धुरी है इसके ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल और इसके निचले पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साउथ पोल। और ये जो लाइन ड्रॉ हुई है चारों तरफ, ध्यान रखना ये सरफेस पे है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेटर दे दिया, ठीक है। तो हमें एक जो रिफरेंस पॉइंट है वो हमें मिल जाता है।
तो वही बात हमने करी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखो ये जो इक्वेटर आपको ड्रॉ हुआ है, ये इक्वेटर क्या है, ये इक्वेटर आपको बीचों बीच नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीचों बीच मिलेगा। तो ये ऐसे आपका धुरी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके बीचों बीच जो ये लाइन ड्रॉ हुई है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इक्वेटर जो है आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल के क्या है, बीचे बीच है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कोई लाइन हुआ तो नहीं करता था, हमने इमेजिनरी बनाया है, एंड दिस इज एन इमेजिनरी लाइन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, डिवाइडिंग द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो आप समझो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने बोला कि उस लाइन को आप लेके चारों तरफ घुमा दो, इस तरीके से धुरी हुआ करती थी, और इसके बीच में हमने ये लाइन ड्रॉ किया था, और इसी को बोला था कि आप चारों तरफ घुमा दो। तो घुमा दोगे तो ये क्या करेगा, ये अर्थ को दो इक्वल पार्टों में आपको ब्रेक कर देगा। इस तरीके से जो है आपका अर्थ दो इक्वल पार्टों में ब्रेक हो गया, और यही जो निशान पड़ा कि कहाँ से ये ब्रेक हुआ है, उसी को हम क्या कह देते हैं, इक्वेटर कह देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर के हिस्से को क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि इक्वेटर और सबसे ऊपर वाले हिस्से जो नॉर्थ पोल है आपका, उसके बीच के हिस्से को क्या कहेंगे, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। उसी तरीके से आपका इक्वेटर और सदर्न पोल जो है उसके हिस्से, उसके बीच के एरिया को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी हो गया आपका कि इक्वेटर जो है अर्थ को दो हेमिस्फेयर में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमने एक लाइन तो ड्रॉ कर ली, एक रिफरेंस लाइन हमको मिल गई। अब हमें एक दूसरे रिफरेंस लाइन की जरूरत है, तो वो दूसरा जो रिफरेंस लाइन है वो हम ड्रॉ करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेरिडियन। वो हम क्या ड्रॉ करते हैं, मेरिडियन के टर्म्स में ड्रॉ करते हैं। अब ये जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन क्या है कि जिस तरीके से हमने कहा था कि आपको इसको एक ऐसा सर्किल बनाओ जो अर्थ को बीच से काट दे, तो वैसा ही आपको एक और सर्किल खोजना है जो अर्थ को बीच से तो काटे बट पोल से होते हुए काटे। आपको क्या करना है, पोल से होते हुए काटना है, दोनों पोल से उसको कट करना है। तो उस तरीके से आप ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे जो क्या होगा, इस पोल से जाएगा और दूसरे पोल तक जाएगा, साउथ पोल तक जाएगा, एंड फिर इस साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाएगा, और उस बीच में अगर आप कोई वैसा कोई मशीन लगा दो तो वो क्या होगा, अर्थ को इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसको जो है आपको डिवाइड कर देता है। इसमें जो हम एक लाइन है जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी नॉर्थ से साउथ पोल जाते हुए, उसमें से किसी एक लाइन को हम चुन लेते हैं और उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ध्यान रखें, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बट एक्चुअल में प्राइम मेरिडियन फिक्स कर दिया गया है कि भाई ये ग्रीनविच से पास होता हुआ लाइन होगा। तो लोगों ने इसको मान लिया कि ठीक है, हम ग्रीनविच से ही मान लेंगे, यहीं से पास हो रहा है। अब ग्रीनविच से पास होता हुआ ये लाइन जो है आपको, एक लाइन जो नॉर्थ से साउथ पोल जा रहा है और ग्रीनविच से पास हो रहा है, इसको क्या कह दिया गया, प्राइम मेरिडियन। उसी तरीके से एक पीछे से भी लाइन गया होगा जो साउथ से नॉर्थ पोल तक गया होगा, तो उसको कह दिया गया इंटरनेशनल डेट लाइन। उसको क्या कह दिया गया, उसको कह दिया गया इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये दो लाइन्स हो गए। अब देखो, जो आपका प्राइम मेरिडियन से ईस्ट के साइड में जो हेमिस्फेयर बना, जो हिस्सा बना, उसको क्या कह दिया गया, उसको कह दिया गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको पता होगी, जब आप मैप देखते हैं तो ऊपर के भाग को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। इस डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो इसको ईस्ट बोलते हैं, और पीछे के डायरेक्शन में जब आएंगे तो उसको वेस्ट बोलते हैं। तो इसीलिए ये लाइन से इस डायरेक्शन में था तो इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोल दिया गया, और लाइन से इस डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब ये हमें रेफरेंस लाइन मिल गए हैं, अब इसका यूज करके जो है हम बनाएंगे, बट उसके पहले हम कुछ और चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। एक जो है आपको है अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स। अब देखो, याद करो, इक्वेटर हमने ड्रॉ किया था, तो इक्वेटर जो है आप देखो कि इस तरीके से, यहाँ से समझने का प्रयास करो, हमने 0.0 ले लिया और ये एक्स एक्सिस जो है इसको मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये इक्वेटर है। तो अब यहाँ से हमें रेफरेंस पॉइंट और ड्रॉ करने पड़ेंगे अगर हमको और एरिया चाहिए। तो आपने ग्राफ मैप देखा होगा तो और लाइंस उस पर ड्रॉ होती हैं, यही जो लाइंस हैं जो ड्रॉ किए जाएंगे दैट इज द पैरेलल टू इक्वेटर, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स ध्यान रखें, ये वो लाइन हैं जो इक्वेटर के पैरेलल आपको ड्रॉ करी जाती हैं, इक्वेटर से पैरेलल ड्रॉ करी जाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट, टू नॉट ओनली पैरेलल टू वन अनदर, इट्स पैरेलल टू इक्वेटर एज वेल। तो इक्वेटर भी जो है वो एक लैटिट्यूड ही है, इसलिए इस तरीके से ये लिखा हुआ है। अब देखो ये क्या बताएगा,
ये बताएगा इक्वेटर से आप कितना ऊपर हो या कितना नीचे हो। तो इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, और इक्वेटर से नीचे जाओगे तो साउथ पोल की तरफ जाओगे। तो ये आपको बताता है कि इक्वेटर से कितने नॉर्थ में हैं या कितने साउथ में हैं। सो इट्स मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। उसके बाद जो है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, जिसको प्राइम मेरिडियन दिया था। तो ये प्राइम मेरिडियन अगर कुछ ऐसा लाइन होगा तो ये प्राइम मेरिडियन को कितने डिग्री पे कट करेगा, ये प्राइम मेरिडियन को कट करता है राइट एंगल्स पे, यानी कि 90 डिग्री पे सीधा कट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक लाइन लिखी हुई है, लाइज इन प्लेन दैट क्रॉसेज द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल। तो प्लेन का मतलब क्या है, ये इसको ये पूरा का पूरा इक्वेटर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको एक सर्किल बनता हुआ दिखेगा। और याद करो यहाँ से बीचों बीच कुछ इस तरीके से आपका अर्थ का एक्सिस पास हो रहा है। तो अर्थ का एक्सिस और इस प्लेन के बीच में एंगल कितना बनेगा, वो बनेगा आपको 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम इसके इक्वेटर के प्लेन को ले लें और वहाँ से अर्थ एक्सिस को निकालें तो वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने शुरुआत ही यहीं से करी थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका एक और फीचर है कि इक्वेटर हैज द लॉन्गेस्ट सर्कमफेरेंस। इक्वेटर जो है, सर्कमफेरेंस का मतलब आप समझते होंगे कि अगर सर्किल को, सर्किल के पूरे एरिया पे हमें कितना दूर चलना पड़ेगा इसके पाथ पे, तो उसी को सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो इक्वेटर जो होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट सर्किल, ये लॉन्गेस्ट सर्कमफेरेंस होता है, और बाकी जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, पोल्स की तरफ छोटे होते जाते हैं, दे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये फीचर देखो, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको दो स्टेटमेंट डाल देगा, बोलेगा कि बताओ कौन सा जो है वो लैटिट्यूड के लिए सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो है हमने फेमस रखे हैं, एक आपका इक्वेटर तो हमने देख ही लिया, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप 23.5 डिग्री पे जब जाएंगे ऊपर में, नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो उसको हम इक्वेटर बोल देते हैं, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल देते हैं। उसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ में जब आएंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। और इसके बीच का जो एरिया होता है इसको इक्वेटोरियल एरिया बोलते हैं या टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। टॉरिड जोन या इक्वेटोरियल रीजन कहने के पीछे तात्पर्य ये होता है कि यहाँ गर्मी होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसके बाद जो है आर्कटिक सर्कल, अब आप नॉर्थ में और आप चले जाइए और 66.5 डिग्री पे जब दूसरी लाइन ड्रॉ करी जाएगी तो उसको क्या कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल। उसी तरीके से जब नीचे आओगे 66.5 डिग्री पे तो उसको कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया ये डिग्री कहाँ से आ गया, अभी तक तो हम आपको डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो डिग्री देखो कैसे आ गया। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ से यहाँ पे एक्सिस है इसका, और यहाँ से हमने क्या करा है, इक्वेटर को पास किया है। इस तरीके से आपका इक्वेटर है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि लाइंस जो हैं कुछ इस तरीके से, एक दूसरा सर्किल यहाँ पे बना है जो हमने बात करी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, राइट, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका इस तरीके से, आपको जो आर्कटिक सर्कल है इस तरीके से ड्रॉन है। अब यहाँ पे जो ये मेन इसका पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ अर्थ है, वहाँ से ये आपको क्या बनेगा, एक एंगल बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 23.5 डिग्री, इसीलिए आपको ये एंगल्स में लिखा होता है नॉर्थ। इसी तरीके से यहाँ वाला जो एंगल है आर्कटिक सर्किल पे, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 66.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ। इसी तरीके से नीचे आ जाओ तो ये आपको बनेगा कितना, 23.5 डिग्री पे, तो उसको हमने क्या कह दिया, 23.5 डिग्री साउथ, तो उसको नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से जो है आपको ये, इसीलिए यहाँ पे डिग्रीज में लिखा होता है ना कि डिस्टेंस में लिखा होता है। तो डिग्रीज आपको पता है तो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, वो तो मैथ्स के फॉर्मूला है। अब जो दूसरा है दैट इज द लॉन्गिट्यूड्स, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको क्या कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। तो हमने बात करी थी मेरिडियंस कहते हैं, और इसमें से हम एक को जो ले लेते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। हमने कहा कि भाई हमने इसको मान लिया आपको, और यहाँ से जो है हम बाकी को मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका प्राइम मेरिडियन है, और प्राइम मेरिडियन से फिर हमने उसको नाप के दूसरा ड्रॉ किया, ये मान लो कि 10 डिग्री पे इसको ड्रॉ किया, यहाँ से फिर इन दोनों को नापा, इसके बीच में एंगल 20 डिग्री है, इसके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो इस तरीके से हम बाकी मेरिडियंस को फिर इसके रिफरेंस से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दो लाइन्स हमने देखी थी, प्राइम मेरिडियन और दूसरा जो है इसके एकदम सामने 180 डिग्री पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेडलाइन और प्राइम मेरिडियन आपको इस तरीके से होंगे। अब हम समझते हैं इनके फीचर्स। तो आप देखो दे रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये तो बात करी थी कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे, साउथ पोल में जाके मिलेंगे, और सारे के सारे मेरिडियन इसी तरीके से नॉर्थ से स्टार्ट होकर क्या करते हैं, साउथ में चले जाते हैं।
उसके बाद दे मेजर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो कोई मेरिडियन यहाँ पे है, ये मेरिडियन का अपना एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू होगा, इसका इसका जो अगर पोजीशन पता लगाना होगा तो कहीं ना कहीं हमने क्योंकि प्राइम मेरिडियन को फिक्स किया था और वहाँ से बोला कि 60 डिग्री ईस्ट में चले जाओ, ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री ईस्ट में चले जाओ, तो इस मेरिडियन ये जो भी मेरिडियन है इसका रेफरेंस कहाँ से लिया जाएगा, इस प्राइम मेरिडियन से। तो ईस्ट में जाने का मतलब इस तरीके से, अगर बोल दिया कि 40 डिग्री वेस्ट में चले जाओ तो अगर वो मेरिडियन यहाँ पे आता है नाप के तो आपको इस तरीके से 40 डिग्री वेस्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि प्राइम मेरिडियन से किस डायरेक्शन में ये दूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि भाई बताओ इंटरनेशनल डेट लाइन कितने डिस्टेंस पे है, किस डिग्री पे है, तो ये इसके लिए क्या सही होगा, आप देखो यहाँ से ऐसे लाइन है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के इस साइड आपका क्या है, इस साइड में प्राइम मेरिडियन है और इस साइड में क्या है, इस साइड में जो है आपका डेड लाइन है, इंटरनेशनल डेड लाइन है, राइट। अब देखो यहाँ से आप मेजर करोगे तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ईस्ट अगर जाते हो तो भी आपको इंटरनेशनल डेड लाइन मिलेगा, या फिर 180 डिग्री वेस्ट जाओगे तो भी आपको क्या होगा, इंटरनेशनल डेड लाइन मिलेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेड लाइन आप देखो कि कहीं से भी जाओ, 180 डिग्री ईस्ट से जाओ या वेस्ट से जाओ, दोनों पे ही आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसका एक और फीचर होता है, दे आर फार्देस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। ये क्या होते हैं, इक्वेटर पे सबसे दूर होंगे एंड पोल्स पे मिलेंगे। तो आप देखो कि जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, और फिर जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। अच्छा, इसके बाद दे क्रॉसेस द इक्वेटर एट राइट एंगल्स। तो आप देखो कि यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन है या कोई भी मेरिडियन उठा लो, और अगर ये हमने इक्वेटर ड्रॉ कर दिया तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, नॉट ओनली इक्वेटर, ये किसी भी लाइन को कट करेंगे, यहाँ पे कोई भी आपको जो है लैटिट्यूड को कट करेंगे तो कितने पे कट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद जो है, लाइज इन प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द अर्थ एक्सिस, पासेस थ्रू द अर्थ एक्सिस। अब याद करो ये अर्थ है, और अगर मैं प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेड लाइन को मिला के ड्रॉ करना चाहूँ एक प्लेन, तो कुछ इस तरीके का प्लेन होगा, इस तरीके का, इसके बीच में एक भाग आपको दिखे, और एक्सिस आपका अर्थ का एक्सिस जो है वो कहाँ से लाई कर पास कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से पास करेगा। तो कोई भी दो मेरिडियन को आप मिला के आप एक प्लेन बनाओ, और उस प्लेन को जब आप देखोगे तो वो प्लेन का एंगल और आपके अर्थ का जो एक्सिस का एंगल हुआ वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। जबकि आप याद करो इक्वेटर के केस में क्या हुआ करता था, वहाँ का प्लेन कुछ इस तरीके से हुआ करता था, राइट, 90 डिग्री पे हुआ करता था। अच्छा, दे आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ, ये क्या होते हैं, इनकी लेंथ जो है सबकी बराबर होती है, याद करो लैटिट्यूड्स में लेंथ बराबर नहीं होती, ठीक है। एंड ऑल्सो दे आर हाफ्स ऑफ द ग्रेट सर्कल, हाफ्स ऑफ द ग्रेट सर्कल कहने का मतलब मैंने आपको बताया इन दोनों को मिला के ड्रॉ करो, तो अगर किसी एक को ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, एक सर्किल का आधा भाग होगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये फीचर्स याद रखने हैं, हमने समझ लिया ये क्या चीज़ें हैं, तो आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी, और इनमें से कोई भी दो तीन पॉइंट्स जब आपको दे देगा तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, ठीक है। फाइनली जो है हम थोड़ा सा प्राइम मेरिडियन के बारे में देख लेते हैं कि भाई प्राइम मेरिडियन जो है कौन से देशों से पास होता है। तो ये देश के नाम आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो घाना, टोगो, बुर्किना फासो, माली एंड अल्जीरिया, ये सारे के सारे देश कहाँ पे हैं, ये आपको अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है। और स्पेन एंड फ्रांस, ये जो है ये क्या है, ये आपको यूरोपियन कंट्रीज है, यूनाइटेड किंगडम भी यूरोपियन कंट्री है बट ये आइलैंड है, थोड़ा सा सेपरेटेड है इस तरीके से यूरोप से, ठीक है। अब देखो ये आपको लग रहे होंगे कि भाई ये कौन से कंट्रीज, हमने तो नाम ही नहीं सुने, ऐसे ऐसे कंट्रीज आ गए, तो इनको हम आपको अफ्रीका बेस्ड मैपिंग आपको कराएंगे, नॉट ओनली अफ्रीका बाकी के भी मैप्स कराएंगे, तो उनमें फिर आपको जो है धीरे धीरे इन कंट्रीज से आपको जानकारी हो जाएगी, पहचान हो जाएगी कि भाई ये कौन से कंट्रीज हैं, हमने तो अफ्रीका ही जाना है बस, ठीक है। तो अफ्रीका में देखो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं, तो उनको एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, और अभी के लिए आप इसको रट्टा मारें, कहीं कहीं आपको रट्टा भी मारना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने बात करी थी कि प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट में क्या होता है, आपको इंटरनेशनल डेट लाइन होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए कहते हैं कि जब आप इसको क्रॉस करते हैं इस साइड से या इस साइड से, तो आपका वहाँ पर डेट्स चेंज हो जाता है,
ठीक है, डेट आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये डेट कैसे चेंज होता है, ईस्ट से वेस्ट जाने पे क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट जाने पे क्या होता है, इसकी डिस्कशन हम फिर कभी अगले किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, बट ये ध्यान रखना, इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन नहीं है, ये जो है आपको लाइन आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, आप देखो कि इस तरीके से आपको ये टेढ़ा दिखेगा। अब टेढ़ा क्यों दिख रहा है, तो आप समझो कि अगर ये सीधा होता, सीधा होता, ये ऐसे आता, तो देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो आप देखो कि एक ही आइलैंड से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब बताओ कि एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वो भी छोटा सा इलाका है, और हमने बताया कि इंटरनेशनल डेट लाइन को पास करते हैं तो डेट्स चेंज हो जाते हैं, तो आप समझो कि एक ही डेट में एक ही कंट्री में डेट क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो इसी के एडजस्टमेंट के लिए जो है हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को जो है तिरछा किया है, ताकि किसी कंट्री से पास ना करे। तो ये भी ध्यान रखना, आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लेगा, वो दे देगा, बोलेगा कि बताओ इंटरनेशनल डेट लाइन इनमें से कौन से कंट्री से के पास होता है, और उसमें चार पांच कंट्री के नाम दे दिया और पांचवें में ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखना इंटरनेशनल डेडलाइन किसी कंट्री से होके पास नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और कहां से पास होता है फिर ये, सो इट पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट की जो लोकेशन है, आप देखो ये जो है आपको रशिया है, और ये जो है यूएसए है, अलास्का, और ये बीच में जो स्टेट होती है उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट से पास होता है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक ओशियन से पास होगा, ठीक है, ये आपको नहीं है, ध्यान रखें किसी भी कंट्री से पास नहीं होता है, ठीक है। तो आर्कटिक ओशियन एंड एंटार्क्टिका, यहाँ से ये जो लाइन्स हैं आपको पास होते हैं, ठीक है। अब ये ओशियन कहाँ पे है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, तो जब हम ये मैप बेस्ड डिस्कशन करेंगे तो इसको आगे देखेंगे, ठीक है। और देखो, अब इंटरनेशनल डेट लाइन से एक चीज़ और ध्यान रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन से हम क्या करते हैं, डेट मेजर करते हैं। जैसे जैसे आप ईस्ट में जाओगे तो डेट क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम पे जो समय हो रहा होगा उससे प्लस होते जाता है, और जैसे जैसे वेस्ट जाओगे तो ग्रीनविच मीन टाइम से जो समय होगा उससे माइनस होते जाता है। याद रखना, अर्थ जो है 360 डिग्री घूमती है एक दिन में, ठीक है। तो इसी तरीके से एक डिग्री को जब आप क्रॉस करते हो तो जो चेंज आता है वो कितने का आता है, वो 4 मिनट का चेंज आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ग्रीनविच मीन टाइम से जितना डिग्री ईस्ट जाओगे उतना मिनट इंटू फोर, उतना डिग्री इंटू 4 मिनट्स आपको करके समय बढ़ा देना है। जैसे अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री ईस्ट की, तो 30 डिग्री ईस्ट में समय कितना होगा, 30 × 4 दैट इज 120, तो 120 मिनट्स आगे होगा, यानी कि 6 + 2 8 बज रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से हमने बात करी कि भाई यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम से जो है हम आपको 40 डिग्री वेस्ट चले जाते हैं, तो 40 डिग्री वेस्ट जाओगे तो टाइम क्या होगा, तो 40 × 4 दैट इज 160, 160 मिनट आपका समय पीछे चल रहा होगा, 6 बजने में अभी 160 मिनट कम होंगे, यानी 2 घंटे 40 मिनट कम होंगे, ठीक है। यानी आप देखो तो 3:20 हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन से हम डेट भी कैलकुलेट किया करते हैं, इसको और डिटेल में हम देखेंगे इसी चैप्टर में, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जो है कि जब आप मैप्स को पढ़ते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, मेरा पर्पस ये था, तो जब भी आप मैप्स को पढ़ते हो तो आपको याद करो, आपको 2 रेफरेंस लाइन मिल गए हैं, एक आपको क्या मिल गए हैं, आपको लॉन्गिट्यूड्स मिल गए हैं, तो इस तरीके से जो सीधी रेखाएं हैं आपको उनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और दूसरे जो इस तरीके से लाइन है वो लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो आप देखो कि मैप में इस तरीके से आपको लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ हैं और इस तरीके से ये लैटिट्यूड्स ड्रॉ हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनका इनको ये इसलिए दिया होता है ताकि जब आप कभी भी देश को पढ़ो तो याद रखो कि भाई कम से कम उससे मुख्य रेखाएं कौन सी पास हो रही हैं, इक्वेटर पास हो रहा है क्या किसी कंट्री से, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसी कंट्री से पास हो रहा है क्या, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन किसी कंट्री से पास हो रहा है क्या। तो हम उनको देखने का प्रयास करते हैं, उससे हमें क्या होती है, चीजें याद रहती है, रिलेटिव पोजीशन हमें निकालने में आसानी होती है, ठीक है। तो लैटिट्यूड से याद रखें, लॉन्गिट्यूड से याद रखें, साथ ही साथ पॉलिटिकल बाउंड्रीज की हम बात करते हैं कि भाई एक कंट्री के आसपास में उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, उसके आसपास में कोई सी है क्या, कोई वाटर बॉडी है क्या, उसको जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं कि क्या उसके पास, उसमें वहाँ पे कोई माउंटेन है तो किस तरीके से है, लेक है तो किस तरीके से है। तो जब भी हम मैप पढ़ेंगे हमारा जो फोकस होगा ये आपका इस चीज़ पे होगा, ठीक है। हम उसको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ना कि सारे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को नहीं पढ़ेंगे, कि इक्वेटर से इसका क्या रिलेशन है, या इंटरनेशनल डेट लाइन से ये ईस्ट में है कि वेस्ट में है, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में है कि वेस्ट में है, वो चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। तो हमें चीज़ें क्या होती हैं,
हैं, लिंक करके याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब आगे के सेशंस जब मैं आपको कराऊंगा तो फिर वहां पे हम बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, एक एक आपको कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक कॉन्टिनेंट में वहां पे कौन से देश हैं, उनका रिलेटिव पोजीशन किस तरीके से है, और उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपका ये आपको एक एक कंट्री में हम लेके चलेंगे कि वहां पे माउंटेंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वहां पे लेक्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो जो फिजिकल फीचर्स आपको जो जरूरत है उसकी बात करेंगे। ध्यान रखें ये आपके टू दी पॉइंट डिस्कशन होगी, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कशन होगी, फालतू की बहुत लंबी लंबी डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, सारे कंट्रीज को देखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वंस होंगे हम उनकी चर्चा करेंगे, क्रिस्प रहेगी ताकि टू दी पॉइंट आपको एग्जाम में क्या हो सके, मदद हो सके। सो आप भी हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर आपको लगे कि हाँ आपको ये आपको मदद हो रही है आपके प्रिपरेशन में, सो प्लीज शेयर। ठीक है, थैंक यू।